हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल MET यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कंट्रोल सर्किट में किस जगह पे थर्मल ओवरलोड रिले का कनेक्शन किया जाता है और थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल क्या है। फिर हम फिजिकली थर्मल ओवरलोड रिले को देखेंगे और डिवाइस में क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा कंट्रोल सर्किट और पावर कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा एक ड्यूएल स्टार्टर है। तो इसमें हम आज हम देखेंगे कि इसमें ओवरलोड की कनेक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो ओवरलोड की कनेक्शन कैसे होते हैं ये हम आप देखेंगे। तो ओवरलोड कनेक्शन देखने से पहले हम जानते हैं ओवरलोड की काम क्या होता है। ठीक है, तो ओवरलोड हम किस काम के लिए यूज करते हैं? ओवरलोड हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर मोटर ओवरलोडेड हो गया है तो उस संभव ओवरलोड रिले मोटर को ट्रिप करवा देता है और हमारे जो कंट्रोल सर्किट है पैनल का, स्टार्टर का जो कंट्रोल सर्किट होता है उसको भी ट्रिप करवा देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पैनल का जो स्टार्टर जो सर्किट है वो भी सही रहता है, कंट्रोल सर्किट भी सही रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है और हमारे जो मोटर है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो कंट्रोल पैनल में जो स्टार्टर पैनल होता है उसमें हमारे ओवरलोड रिले बहुत बड़ी रोल निभाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन में बहुत बड़ी रोल निभाता है। तो अभी चलिए ओवरलोड रिले जो है, ओवरलोड रिले का कनेक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। ओवरलोड रिले हमेशा मेन कॉन्टैक्टर जो होता है हमारे स्टार डेल्टा फीडर में, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होता है, जब ड्यूएल में जब हमारा होता है कि ड्यूएल में एक ही कॉन्टैक्टर होता है तो उस कॉन्टैक्टर के साथ ओवरलोड रिले कनेक्टेड होता है। लेकिन स्टार डेल्टा सर्किट में हमेशा ये मेन जो कॉन्टैक्टर होता है मेन कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेन कॉन्टैक्टर की कॉन्टैक्ट जो कॉइल है। ठीक है, ये इस कॉन्टैक्ट की मतलब होता है कि ये मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल है। ओके, तो ये जो मेन कॉन्टैक्ट पावर सर्किट में जो दिखाया जा रहा है ये मेन कॉन्टैक्टर की कॉइल है। ठीक है, इसमें ओवरलोड रिले का कॉइल जो है, ओवरलोड रिले जो है वो डायरेक्टली मेन कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ओवरलोड रिले से जो वायर निकलता है वो डायरेक्टली जाता है हमारे जो टर्मिनल होता है वहां पर, वहां से क्या होता है कि मोटर के कनेक्शन होता है। ठीक है, तो वहां से यहाँ से ये जो टर्मिनल निकलता है जो ओवरलोड रिले से, उस इसी ओवरलोड रिले का इसी टर्मिनल से क्या होता है कि हमारे जो मोटर की कनेक्शन होता है इसी टर्मिनल से होता है। मतलब मोटर पे जाने से पहले ओवरलोड रिले होके जो पावर हमारे मोटर पर से जाता है। ठीक है, तो ये होता है ओवरलोड रिले की पावर कनेक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी कंट्रोल में। आप यहाँ पर कंट्रोल सर्किट में देख सकते हैं कि कंट्रोल सर्किट में साढ़े, मतलब हमारे स्टॉप स्विच जो पहले होता है उससे भी ऊपर हम यहाँ पर देते हैं, एकदम ऊपर हम देते हैं ओवरलोड रिले को। ठीक है, तो इस ओवरलोड रिले की कनेक्शन ऐसी होती है। तो ओवरलोड रिले के साथ हमारे यहाँ पर जो ट्रिपिंग लैंप है, देखिए ये ट्रिप लैंप है जो ओवरलोड रिले के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये डायरेक्टली ओवरलोड रिले के साथ कनेक्टेड होता है। अब ओवरलोड रिले का ये एक ओवरलोड रिले का सिंबल है। कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरलोड रिले में जब नॉर्मल लोड कंडीशन में यह क्या होता है कि ये NC होके रहता है। ठीक है, नॉर्मली NC होके यहाँ पर रहता है। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट है ये NO होके रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली कंडीशन में है। ठीक है, जब हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, जब मोटर ओवरलोडेड हो जाते हैं तब ये NC में बदल जाता है, सॉरी ये NC NO में बदल जाता है। ठीक है, जब ये जो ओवरलोडेड कंडीशन आता है तब ओवरलोडेड कंडीशन में ये NO NC में बदल जाता है। मतलब ये जो है ये लाइन ब्रेक हो जाता है और ये लाइन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये NC में कनेक्टेड हो जाता है। अब NC में कनेक्टेड ये NC हो गया, ये NO हो गया, इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारी जो कंट्रोल सर्किट था ये पूरा कंट्रोल सर्किट पावर से डिटैच हो गया। इसके मतलब हमारे जो मोटर है वो मोटर ट्रिप हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल सर्किट भी ट्रिप है और मोटर भी ट्रिप हो गया है। ठीक है, और यहाँ से जो कनेक्टेड, जब ये NC से कनेक्टेड होगा, ये NC हो गया, तब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आके ये ट्रिप लैंप जो होता है, ट्रिप लैंप पे पावर आ जाता है, ट्रिप लैंप जल जाता है। तो हम आसानी से इंडिकेटिंग लैंप के जरिए देख सकते हैं कि मोटर हमारा ट्रिप कर चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारी ओवरलोड रिले का पर्पस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे और भी कनेक्टेड है, जैसे स्टैंड बाय है, मतलब ये सारे इंटरलॉकिंग है, ये हम आप सभी को बाद में दिखाएंगे, लेकिन आज हम ओवरलोड रिले के ऊपर बात करेंगे। तो ये रहा ओवरलोड रिले का ओवरऑल कनेक्शन। ठीक है, जो ओवरलोड रिले जो ट्रिप लैंप के इंडिकेशन के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिजिकली ओवरलोड रिले को देख लेते हैं कि फिजिकली ओवरलोड रिले का काम कैसे होता है और क्या क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, चलिए
ये रहा हमारा ओवरलोड रिले। तो ओवरलोड रिले में क्या कुछ हो रहा है मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ओवरलोड रिले के पहले जो ये जो स्विच आप देख रहे हैं, ये रोटरी स्विच है, ठीक है। इसको आप घुमाकर करंट रेटिंग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5 से 7.5। ये क्यों किस लिए काम करता है देखो, कि समझ लीजिए किसी एक मोटर का रेटिंग है 5, ठीक है, ठीक है। करंट रेटिंग है 5 एम्पियर या फिर होता है या 6 एम्पियर समझ लीजिए। तो ये जो हम करंट रेटिंग को सेंस करवाने के, यहाँ पर लिखा है 4.5 से 7.5। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर 4.5 से 7.5 तक इस ओवरलोड रिले को आप कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम मोटर की समझ लीजिए, जो मोटर की जो करंट रेटिंग है वो समझ लीजिए कि 5 6 एम्पियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 एम्पियर है तो इसका जो रेटिंग है इसको हम क्या करते हैं 6 से थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, या 6 एम्पियर पे रख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं तो क्या होगा, जो जब मोटर 6 एम्पियर से ज़्यादा करंट देगा वह उस एम्पियर से करंट देगा तो ओवरलोड रिले उसको ट्रिप करवा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 से 7.5 तक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या देखिए 4.5 से 7.5 तक है, ओके। तो ये जो 4.5 से 7.5 है, मतलब जब ये अभी जो काटा है वो 4.5 पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि मोटर अगर 4.5 से ज़्यादा करंट रेटिंग लेगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इस रूटीन। अब हम आप बारी है ये पुश बटन की, ये है हमारे जो पुश बटन, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन पुश बटन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ओवरलोड और दूसरे पर लिखा है आई, ठीक है। तो जो ये ग्रीन वाला है, ये जो ये ओवर वाला है, ठीक है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो मोटर ट्रिप हो जाएगा। ये जो रेड वाला है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो मोटर ट्रिप हो जाएगा, और ये जो ग्रीन वाला है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो मोटर फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम जो ये देख रहे हैं ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको हम जो हमारे जो पावर कॉन्टैक्टर है, जो मेन कॉन्टैक्टर होता है, ठीक है, उस मेन कॉन्टैक्टर में हम इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल में हम इसको अटैच करवा देते हैं, ठीक है। अब जो आउटपुट है मोटर का, जो आउटपुट है वो ओवरलोड के इस जो ये जो 3 स्क्रू है, रेड येलो ब्लू, इन तीनों से टर्मिनल से निकलता है, ठीक है। इन तीनों टर्मिनल ध्यान से देखिए, इन तीनों ऊपर वाला, इन तीनों टर्मिनल से हमारे मोटर का जो एक्सटेंशन पॉइंट है, जो आउटपुट है वो निकलता है, ठीक है, जो मोटर पे जाता है, ठीक है, पैनल से जो मोटर पे जाता है स्टार्टर से, वो इधर से निकलता है। और ये जो है ये हमारे जो पावर कॉन्टैक्टर है, मतलब मेन कॉन्टैक्टर होता है, मेन कॉन्टैक्टर पे ये कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसका जो कंट्रोल वाला टर्मिनल है वो सारे यहाँ पर है, देखिए ये वाला जो है ये सब इसका कंट्रोल टर्मिनल है। ये 94 95 6 7 8, मतलब 94 94 95 96 97 95 8, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल है, जब मोटर ट्रिप हो जाता है तब अब हम देखते हैं कि ट्रिपिंग जो लैंप चलता है, ठीक है, ट्रिपिंग लैंप का जो कंट्रोल सर्किट है वहाँ पर वो भी इस तरीके से आता है। और ट्रिपिंग होने के बाद जो ट्रिप लैंप होता है या फिर जो स्विच होता है, सारे जो कंट्रोलिंग कनेक्शन, वो सारे कंट्रोल कनेक्शन यहाँ से आता है। जो पावर है वो पावर ये ऊपर वाला 3 स्क्रू है, ठीक है। तो ये जो रेड वाला बटन है, इस रेड वाले बटन से आपको रीसेट करता है, रीसेट करते हैं ऑफ कर देते हैं या रीसेट करते हैं, और ये जो है इसके ऑन, इससे रीसेट होता है, सॉरी, ये जो है ये से ट्रिप हो जाता है और ये जो है इससे ऑन होता है, ठीक है, ऑन होता है। आप भी देखियो, एक बात बताता हूँ, यहाँ पर और एक स्विच है जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर और एक स्विच है, ये अगर मोटर ट्रिप हो जाए और इसको अगर आप ऑटोमेटिक, मतलब इसको दो तरीके से जा सकते हैं, नीचे और ऊपर, ठीक है। अगर मोटर ट्रिप हो जाए और अगर ये ऑटोमेटिकली है तो जब फॉल्ट ठीक हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, ठीक है, रीसेट होकर फिर से चालू हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये मैनुअल ट्रिपिंग कंडीशन पे है, मैनुअल रीसेट कंडीशन पे है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको आके फिर से रीसेट करना पड़ेगा। इसको रीसेट करने के बाद ही मोटर फिर से स्टार्ट होगा। आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आप इससे स्टार्ट करवा रहे हैं लेकिन फिर भी ये स्टार्ट नहीं होगा, आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये जो व्हाइट वाला है, इसको इससे रीसेट किया जा सकता है, ठीक है। इसको देखिए ट्रिप लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप इधर से ऐसे करेंगे तो मोटर ठीक हो जाएगा, मतलब फिर से ये स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इसको किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी ऐसे रिसेट किया जा सकता है, और जो यहाँ पर जो डिवाइस है इसका ऑन ऑफ किया जा सकता है, और इससे हम जो एम्पियर है इसको कैसे ही करते हैं, और इसको लेके ये जो 3 टर्मिनल निकले इसको हम पावर मेन कॉन्टैक्टर पे दे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और यहाँ से जो हमारा है वो पावर आउटपुट जो है जो मोटर पे जाता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है।
और यहाँ पर कंट्रोल इंटरकंट्रोल टर्मिनल होता है, और ये जो स्विच है, ये स्विच, ये वाला स्विच, ये वाला स्विच ऑटो मैनुअल है, ठीक है। ये ऑटो मैनुअल सिलेक्टर है, इससे आप ऑटो ट्रिपिंग भी कर, ऑटो रिसेट भी करवा सकते हैं, मैनुअल रिसेट भी करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो वर्ल्ड रिले का फुल डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ और भी नए नए वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।